हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब। सो आज हम सीखेंगे, हमने स्पर गियर सारा का सारा वीडियो खत्म कर दिया, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है पहले वो जाके देख लो इनको यार, क्योंकि यही समझोगे तभी तुमको हेलिकल गियर समझ में आ जाएगा। अभी ज्यादातर वो स्पर गियर की एग्जाम्पल पूछेगा, लेकिन पिछली बार उसने हेलिकल गियर का एग्जाम्पल लिया था, तो इसलिए हमें ये वीडियो पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो का टाइटल है हेलिकल गियर टर्मिनोलॉजी। अब वैसे देखा जाए तो ये एग्जाम के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, पर ये वीडियो समझोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट थियरी आएगी दैट इज वर्चुअल टीथ ऑफ हेलिकल गियर, अगर वो समझना है तो तुम्हें ये वीडियोस आना चाहिए, अदरवाइज तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस वीडियो को सुनना बहुत जरूरी है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको प्रिपेयर नहीं करोगे चलेगा, बट इसको समझना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट हेलिकल गियर टर्मिनोलॉजी विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो एज यू कैन सी हेलिकल गियर, ऑलरेडी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर वाला जब ये गियर चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में हेलिकल गियर को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि कैसा होता है, तो मैंने आपको बता दिया था उसमें हेलिकल गियर होता है उसके जो टीथ होते हैं दैट इज इंक्लाइन टू द शाफ्ट एक्सिस, है ना, इंक्लाइन टू द शाफ्ट एक्सिस होते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो, मान लो कि ये शाफ्ट की एक्सिस है, ठीक है, ये यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज शाफ्ट एक्सिस, और ये जो टीथ है दैट इज यू कैन सी दैट दैट इज इंक्लाइन, है ना, ये सारे टीथ इंक्लाइन होते हैं इसके, ये टीथ आपके इंक्लाइन होंगे यहाँ पे। सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे भी इस चीज को देख सकते हो, यू कैन सी इट ओवर हियर। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ यू कैन सी दैट ऑल द टीथ्स आर इंक्लाइन टू द शाफ्ट एक्सिस, ठीक है। तो इसको बारे में हम जानते हैं, वी डोंट वेस्ट अवर टाइम। सेकेंड, अब इसमें भी हेलिकल गियर जो होता है उसमें भी अब थोड़े नॉमिक नेचर होते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा, इफ आई विल से लेफ्ट हैंड हेलिकल का मतलब क्या होगा कि उसका इंक्लिनेशन कुछ इस तरीके से होगा, तो ये जो होगा वो लेफ्ट साइड बैठा हुआ होगा। देखो लेफ्ट साइड ये टीथ बैठा हुआ है ना, इट विल बी लाइक दैट, इस तरीके से उसका लेफ्ट साइड होगा वो नीचे होगा लाइक दिस। तो आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड है, ये नीचे बैठा हुआ है ना। सो आप यही सेम चीज आप यहां पे ड्राइंग में भी देख सकते हो। देखो ये लेफ्ट हैंड हेलिकल, यहां पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पिनियन, तो देखो ये लेफ्ट हैंड सारे के सारे लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड्स है ना। सो यू नीड टू रिमेंबर के जब लेफ्ट हैंड हेलिकल बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वो डाउनवर्ड्स होंगे सारे के सारे टीथ। अब मैं तुमको बोलता हूं नेक्स्ट, इफ आई विल से राइट हैंड हेलिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स होंगे। तो आप यहां पे देखो, कैन यू सी इट दिस ओवर हियर, है ना, आप देखो ये यहां पे कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड, ये सारे के सारे राइट हैंड साइड इस तरीके से झुके होंगे, तो राइट हैंड साइड वो डाउनवर्ड्स होंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम चीज आप यहां पर ड्रॉइंग में भी देख सकते हो, दिस इज राइट हैंड गियर। सो यू कैन सी दैट के राइट हैंड साइड सारे के सारे राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स होंगे, है ना, उसका भाग वो नीचे होगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड बोलोगे तो लेफ्ट साइड वो भाग नीचे रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज के राइट हैंड हेलिकल कौन है और लेफ्ट हैंड हेलिकल कौन है, या इसको लेफ्ट हैंड हेलिक्स या राइट हैंड हेलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द क्लियर। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं इसको, यू नो ऑल दीज थिंग्स। अब आपको यहां पे ड्रॉइंग में एक चीज दिख रही है यहां पे कि ये हेलिकल गियर का आपको अभी ये जो व्यूज दिख रहा है ये टॉप व्यू है ना, यू कैन सी इट दिस ओवर हियर। सो दिस इज द टॉप व्यू, यू कैन सी इट, दिस इज द टॉप व्यू, आप इस तरीके से देख रहे हो सारे टीथ है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टॉप व्यू, आप हेलिकल गियर को ऊपर से देख रहे हो, है ना। सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता चले कौन सा व्यू है हेलिकल। तो अब यहां पे देखो एक चीज यहां पे आपको समझनी है। अब देखो ये मैं कोई शाफ्ट की एक्सिस समझू, ठीक है, दिस इज शाफ्ट की एक्सिस है, और ये एक टूथ है, आप देखो यहां पे ये है ना, ये टूथ ही है, आप यही सेम टूथ को यहां पे भी देख सकते हो, देखो यही सेम टूथ को आप यहां पे भी देख सकते हो। फिर मैं बताऊंगा कि यहां पे किस तरीके से कौन सा व्यू है, बट ये टूथ है ना, उसका सेंटर पार्ट, तो उसका सेंटर पार्ट यानी मैं यहां पे कोई कलर चेंज करूंगा। सो उस टूथ के सेंटर पार्ट देखो, उस टूथ के सेंटर में से ये ग्रीन वाली लाइन, और ये क्या था, ये शाफ्ट एक्सिस है, तो टूथ का सेंटर शाफ्ट के एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेलिक्स एंगल, उसको क्या बोलेंगे, हेलिक्स
एंगल साइन। क्लियर? सो सिंपल सी बात है कि शाफ्ट की जो एक्सिस होगी उसके साथ हेलिकल गियर का जो टूथ होगा जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। क्लियर? यस और नो? पर यहां पे जो मैंने टूथ लिया वो टूथ से वहां मैंने उसकी सेंटर लाइन ली हुई है, सो टूथ का सेंटर पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर। क्लियर? ओके, चलो अब ये तुम्हारा क्लियर हो गया तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां पे। लेट मी इरेज। सो आपको यहां पे साई क्या है वो भी पता चल गया। अब हमें एक चीज करनी है। अब हमें ये जो टॉप व्यू आपको दिख रहा है हेलिकल गियर, इसको हमें दो पार्ट में काटना है। कैसे काटेंगे हम? कैसे सेक्शन प्लेन का यूज करते हैं किसी भी चीज को काटने का। अब सेक्शनल व्यू क्या होता है? किसी भी चीज का इनर डिटेल्स बताता है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में बढ़ गए हो क्या सेक्शनल व्यू होता है। तो अब ये जो आपको टॉप व्यू दिख रहा है हेलिकल गियर, इसको मैं दो जगह से काटूंगा, ठीक है? तो पहले मैं जिस जगह से काटूंगा तो वो इस जगह होगा। अब देखो यहां पर मेरा देखना ये, यस दिस, यहां से मैं काटूंगा, ठीक है? तो आपको यहां से आपको क्या करना है, टॉप व्यू आप देख रहे हो, आपको ये जो ग्रीन लाइन है वहां से काटना शुरू करना है। वहां से ऐसे हेक्सो लेके काटना शुरू करो गियर को। अब गियर को आपने काट दिया, अब आपको क्या करना है, ये टॉप व्यू है। अब मैंने कहां से काटना है आपको बता दिया, इसको हम बोलूंगा ट्रांसवर्स प्लेन। क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स प्लेन। ये जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ हुआ, तो ये ट्रांसवर्स जो मैंने प्लेन यहां पर ग्रीन कलर का ड्रॉ किया, वहां से आपको काटना शुरू करना है। लेट्स से यू हैक्सो आपने काटना शुरू किया। अब काट दिया आपने गियर को, आपका जो टॉप व्यू था गियर का, वहां से मैंने आपको जो जिस जगह बताया वहां से काटना है, आपने काट दिया। अब आपको क्या करना है, सामने से उसको देखना है। सामने से मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दू। मान लो कि आपके पास सफरजन है ना, एप्पल है। अब एप्पल है, उसको आप ऊपर से देखोगे तो क्या कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में ऐसा गोल दिखेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको यहां में से बीच में से काटो, ऐसे टॉप व्यू में। अब आपने बीच में से सफरजन को काट दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि आप सामने से देखो, तो जब सामने से तुम देखोगे वो सफरजन को, टॉप व्यू मैंने बताया कहां से काटना है, काट दिया। फिर तुम उस सफरजन को सामने से देखोगे तो कैसा लगेगा, इट विल बी लाइक दिस, और ये इसकी इनर डिटेल होगी। यस और नो मेरे दोस्त? क्लियर? सो दिस सेम थिंग दैट यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर। आपको वही सेम चीज यहां पर अप्लाई करी है। मैंने जो ग्रीन लाइन बताई वहां से आपको गियर को काटना है और सामने से देखना है। और जब आप सामने से देखोगे तो आपका गियर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो आप यहां पर देख रहे हो, दिस विल बी लुक लाइक दिस। क्लियर? सो दैट इज व्हाई मैंने यहां पे बताया कि सामने से देखना है, इसलिए इसने यहां पे एरो मारा है। टॉप में से काटना है और सामने से देखना है, सो इट विल बी लुक लाइक दिस। ये इसकी इनर डिटेल दिखेगा। तो ये ट्रांसवर्स में काटेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यस और नो? अब देखो ये जो गियर, ये जो व्यू दिख रहा है आपको सेक्शनल व्यू, अब ये जो टूथ है इसका सेंटर लाइन और ये जो टूथ है उसका सेंटर लाइन लो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये उसको हम बोलेंगे पिच। पर कौन सी पिच? ये ट्रांसवर्स से काटा है इसलिए हमें ये व्यू मिला है, तो इस पिच को मैं बोलूंगा ट्रांसवर्स पिच। क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स पिच। क्लियर हो गया? और ये मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं और आप देखो यहां पे जो एंगल बनेगा प्रेशर एंगल है ना, ये जो प्रेशर एंगल बनेगा अल्फा, इसको बोलूंगा मैं ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। क्लियर? उसी तरीके से ये जो सेम चीज किया उसी तरीके से, अब एक बार समझ लो ट्रांसवर्स पिच कौन सा डिस्टेंस है, मैं आपको यहां पे बता ही देता हूं। A1 A2 देखो, अब ये है ना लाइक दिस, ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, और इन दो क्योंकि हमें ट्रांसवर्स से काटा तो हमें अलोंग दी ट्रांसवर्स देखना है, तो ये जो डिस्टेंस मिला इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स पिच, है ना, दोनों टूथ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। तो A1 A2 क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स पिच। क्लियर? ओके डन। अब आगे बढ़ता हूं मैं फटाफट। अब ये हो गया तुम्हारा बात। अब मैं करता हूं इसको काटने का दूसरा तरीका। अब ये आपको जो जितने भी सारे हेलिकल के टीथ दिख रहे हैं, यस देखो इस तरीके से है, यस और नो? अब ये जो जितने भी सारे टीथ है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लो और वहां से काटो। तो ये जो सारे टीथ है उसका परपेंडिकुलर एक कटिंग प्लेन लो, तो वो कैसा होगा? तो मैं कलर चेंज करता हूं। सो वो प्लेन कुछ इस तरीके का होगा, वाई वाई, देख लो आप, यस और नो? तो ये जो है नॉर्मल प्लेन में बोलूंगा, क्यों? क्योंकि इट इज नॉर्मल टू द टूथ, तो ये आपको यहां से काटना। अब देखो आप जब नॉर्मल डायरेक्शन में ये जो टॉप व्यू देख रहा है, अब इस चीज को इस नॉर्मल प्लेन से देखोगे तो आपको सारे के सारे टूथ इंक्लाइन नहीं दिखेंगे बल्कि एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगे। कैसे? कि ये जो सारे टूथ है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना है। सो मैंने आपको यहां पर बताया ये वाई वाई वाला, ठीक है? तो ये जो प्लेन होगा वहां से आप उसको सीन करो तो सारे के सारे गियर आपको पैरेलल दिखेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल गियर, यस और नो? ओके, सो आपको इस तरीके से देखना है इस चीज को। क्लियर? तो ये यहां से काटना, वाई वाई से हमें टॉप व्यू में ऊपर सभी सेब का जिस तरीके से एग्जांपल दिया था एप्पल का, के ऊपर से काटो
और सामने से देखो ऐसी चीजें। अब नॉर्मल प्लेन वाई से काटो, टॉप व्यू से हेक्सो ले लो, वहां से काटो और सामने से देखो। अब जब तुम सामने से देखोगे ना तो इसका जो सेक्शनल व्यू मिलेगा इट इज जस्ट लाइक अ स्पर गियर, क्योंकि नॉर्मली काटा है आपने। सो इट इज जस्ट लाइक अ स्पर गियर, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरीके से आपको मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये नॉर्मल सेक्शनल व्यू है क्योंकि हमने नॉर्मली काटा, टूथ का नॉर्मल काटा। तो ये जस्ट लाइक स्पर गियर दिखेगा, क्यों? क्योंकि आप देखो, आप अभी भी देख सकते हो, आप टूथ के नॉर्मल काटना है तो टूथ के नॉर्मल आप देखो तो सारे स्पर गियर आपको, सारे के सारे टूथ आपको पैरेलल दिखेंगे, जस्ट लाइक स्पर गियर। तो ये जो व्यू मिलता है यहां से हमको ऐसा लगता है कि स्पर गियर ही है, इंक्लाइन नहीं है, स्पर गियर ही है, पैरेलल टूथ ऐसा ही लगेगा नॉर्मली जब कट करोगे। उसी तरीके से अब जो नॉर्मल जो व्यू आया, मैं पेन चेंज करता हूं, अब ये जो टूथ है उसका सेंटर लाइन लो और ये जो टूथ है उसका सेंटर लाइन लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल पिच। क्या बोलेंगे? नॉर्मल पिच, यस और नो? तो उसी लाइन को मैं यहां पे एक्सटेंड करूं तो ये पॉइंट आएगा A1 और इसी लाइन को यहां पे लाओ, ये पॉइंट आएगा C। तो A1 C को मैं बोलूंगा नॉर्मल पिच। क्लियर? और A1 A2 क्या है हमारा? ट्रांसवर्स पिच। तो A1 A2 हमारा होगा ट्रांसवर्स पिच। क्लियर? उसी तरीके से सेम चीज आप यहां पे देखो, ये जो प्रेशर एंगल बनेगा लाइक दिस, तो ये जो प्रेशर एंगल बना उसको बोलूंगा मैं नॉर्मल प्रेशर एंगल, जैसे कि मैं यहां पे ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल बोलता था। तो इतना चीज आपके दिमाग में घुस गया, दोनों व्यू के नॉर्मल पिच क्या है, ट्रांसवर्स पिच क्या है, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल क्या है, नॉर्मल प्रेशर एंगल क्या है। क्लियर? डन। तो अब यहां से हम सारी चीजें समझना स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी एक चीज भी समझाना बाकी है, वो है एक्सियल पिच। तो चलो वो चीज भी समझा देता हूं, फिर हम डिराइव करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी इरेज ऑल द थिंग ओवर हियर। अब देखेंगे एक्सियल पिच। एक्सियल पिच क्या होता है कि दोनों टूथ के कोरोस्पोंडिंग पॉइंट का एक्सियल डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो आप देखो, मैं यहां पे एक टूथ लेता हूं, ये जो टूथ है उसका कोरोस्पोंडिंग पॉइंट लेता हूं और यहां पे एक टूथ है उसका कोरोस्पोंडिंग पॉइंट लेता हूं। अब इस दो जो कोरोस्पोंडिंग पॉइंट है टूथ के, दोनों अलग अलग टूथ पे मैंने कोरोस्पोंडिंग पॉइंट लिया है ए वन ए टू, इनका एक्सियल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस होगा? तो मैं ए टू से यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, और उसी तरीके से A1 में से ये यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। तो ये जो एक्सियल डायरेक्शन में डिस्टेंस मिला मुझे दोनों कोरोस्पोंडिंग पॉइंट का एक्सियल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मिला उसको बोलूंगा मैं एक्सियल पिच, यानी A1 B2 जो है तुम्हारा, A1 B2 इज योर एक्सियल पिच, जिसको मैं बोलूंगा PA। क्लियर? तो दोनों टूथ है उनके कोरोस्पोंडिंग पॉइंट्स का एक्सियल डायरेक्शन, क्योंकि शाफ्ट की एक्सिस ये है, तो शाफ्ट की एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सियल डायरेक्शन में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो तुम्हारा हो जाएगा A1 B2। सो A1 B2 इज नोन एज एक्सियल पिच। तो आपको इतनी तीन चीजें पता चल जानी चाहिए, कौन कौन सी? तो कि A1 A2 ट्रांसवर्स पिच, A1 C नॉर्मल पिच एंड A1 B2 इट इज एक्सियल पिच। उसी तरीके से ये तुम्हारा ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल और ये नॉर्मल प्रेशर एंगल। अब इतना समझ में आ गया, और ये हमारा हेलिक्स एंगल है, ठीक है? ये तुमको पता है एंगल A1 B2 A2, ये हमारा हेलिक्स एंगल साइन है, दैट यू नो, ठीक है? तो इतनी चीज पता होगी तो हम आगे का अब कर पाएंगे। तो चलो अब आगे हम कैलकुलेशंस करते हैं। इतना क्लियर हो गया? नहीं हुआ है, इसको वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं कि अब हम ट्राइंगल देखेंगे। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे हम? ट्राइंगल ए वन ए टू सी। अब ये हम ट्राइंगल देखेंगे ए वन ए टू सी, हमको ये ट्राइंगल देखना है। पर उससे पहले और एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे तो आपको पता चल गया कि सर ये टूथ है और ये उसकी लाइन है और ये शाफ्ट की एक्सिस की लाइन, दोनों के बीच का एंगल हेलिक्स एंगल, वो तो हमें समझ में आ गया। पर सर ये कैसे साई बन रहा है? देखो ये एंगल, एंगल सी ए वन ए टू, सर ये साई कैसे हुआ ये तो हमें समझाओ। चलो समझा देता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो फटाफट। तो पहले आप इसको देखो, इसको इस तरीके से व्यू करो, आप ट्राइंगल देखो ए वन ए टू बी टू, आप ये देखो इतना आप देखो, ठीक है? तो ये एंगल कौन सा है? साइन। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मैं पेन चेंज करता हूं ना कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? साइन। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस साइन। यस और नो? यस और नो? आप इस एंगल 90 माइनस साइन हो जाएगा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो आपको इतनी चीज पता चल गई कि अगर मैं ये ट्राइंगल लू, ये ट्राइंगल लू, तो वन मिनट
मैं ये ट्राइंगल लूं तो यहां पे जो एंगल है वो 90 माइनस साइन है, हम अभी मैंने डिराइव किया, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, तो ये बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर 90, तो फिर मुझे ये बताओ ये 90 है, 90 माइनस साई है, तो ये कितना होना चाहिए साई। सो दैट इज व्हाई दिस इज साई एंगल। क्लियर? अब किसी भी जगह पे तुमको पता नहीं चले कि ये एंगल कहां से आ रहा है, आपको सिंपल एसआई लॉजिक लगाना है, ठीक है। सो लेट मी इरेज ऑल द थिंग ओवर हियर। अब हमारी मेन चीज पे आएंगे, तो अभी हमें कौन सा उसने फोकस करने को बोला है, ही इज आस्किंग कि आप ट्राइंगल A1 A2 C को देखे। तो हम ट्राइंगल A1, A2 और C को देखेंगे इस तरीके से। चलो ये हमने देख लिया। अब वो बोलता है कि वहां पे cos psi क्या होगा, तो कि PN upon P, क्या ऐसा ही होगा, देख लेते cos psi। तो cos psi क्या होगा, तो A1C, so A1C क्या है हमारा, that is normal pitch, yes। और क्या होगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होगा A1 A2, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रांसवर्स पिच P, सो इट विल बी नॉर्मल पिच अपॉन ट्रांसवर्स पिच। तो इतना क्लियर हो गया। सो देयरफॉर आई कैन राइट PN इक्वल टू P cos psi। क्लियर? अब यहां पे PN है नॉर्मल पिच है, और सिर्फ P लिखूं तो वो ट्रांसवर्स पिच। आप कोई भी चीज ले लो, मैं सिर्फ M लिखूं तो इट विल ट्रांसवर्स मॉड्यूल, MN लिखूं नॉर्मल मॉड्यूल, सिर्फ अल्फा लिखूं ट्रांसवर्स एंगल, अल्फा N लिखूं नॉर्मल एंगल। तो जहां पे जो ट्रांसवर्स वाला होगा ना, उसके नीचे कुछ लिखा नहीं होगा, समझ जाने का ट्रांसवर्स ही है, ट्रांसवर्स ही है। और जहां पे नॉर्मल होगा वहां पे नीचे N लिखूंगा, PN नॉर्मल पिच, अल्फा N नॉर्मल प्रेशर एंगल, MN नॉर्मल मॉड्यूल। क्लियर? और ट्रांसवर्स में कुछ भी नहीं लिखूंगा। सो दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। तो ये मैंने समझा दिया नॉर्मल प्रेशर एंगल, P ट्रांसवर्स एंगल। अब एक समझ लो, आप एक चीज को समझना है। नाउ वी नो दैट P यानी पिच है, सर्कुलर पिच, स्मॉल P यानी सर्कुलर पिच, और कैपिटल P को बोलते हैं डायमेट्रल पिच। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है पाई। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये मैंने जब गियर टर्मिनोलॉजी तुमको पढ़ा है उसमें मैंने सर्कुलर पिच का इक्वेशन और डायमेट्रल पिच का इक्वेशन डिफाइन किया हुआ है। तो फिर से एक बार बता देता हूं, सर्कुलर पिच क्या होता है आपका, सर्कुलर पिच का इक्वेशन होता है स्मॉल P, वो होता है पाई डी बाय जेड। क्या होता है पाई डी बाय जेड, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई इनटू मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल होता है डायमीटर अपॉन टीथ। उसी तरीके से ये जो कैपिटल पी है उसको बोलते हैं डायमेट्रल पिच। क्या बोलते हैं? डायमेट्रल पिच। उसका इक्वेशन होता है वन अपॉन मॉड्यूल। अब देखो ये पीसी क्या है तुम्हारा, सर्कुलर पिच, ये तुम्हारा पाई एम है, और डायमेट्रल पिच क्या है तुम्हारा, वन अपॉन एम। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, एम एम कट हो जाएगा, पी सी इंटू पी करोगे तो क्या बचेगा, पाई। सो दैट इज वाई आई हैव रिटन ओवर हियर पी इंटू कैपिटल पी इक्वल टू पाई। अब स्मॉल पी बोलू तो वो सर्कुलर पिच हो जाएगा, सिर्फ पिच जो हम बोलते हैं वो, और कैपिटल पी जहां पे होगा वो डायमेट्रल पिच होगा, वो होगा वन अपॉन मॉड्यूल। स्मॉल पी क्या होगा, पाई डी अपॉन जेड, यानी पाई इंटू एम होगा, स्मॉल पी पाई इंटू एम। कैपिटल पी क्या होगा, वन अपॉन एम, है ना, वो डायमेट्रल पिच होगा। सो वी नो दैट P into capital P हम क्या लिख सकते हैं, phi। तो अगर मैं small p को subject बनाऊं तो can I write pi upon capital P? उसी तरीके से same way, ये मैंने transverse के लिए लिखा, उसी तरीके से मैं normal के लिए लिखूं तो इस तरीके होगा normal pitch upon normal diametral pitch, उसका भी multiplication pi होगा। So therefore small normal pitch is equal to pi upon capital P, यानी diametral pitch हो जाएगा, yes or no? अब ये जो दोनों value आई है हमें उसको कहां पे रखना है, तो हम यहां पे लाए थे PN equal to P cos sin। तो यहां पे आप लिख दो, ये छोटा PN है और ये छोटा P है, वहां पे आप ये वैल्यू जो हम लाए, कौन सी वैल्यू लाए, स्मॉल P पाई अपॉन P एंड स्मॉल PN पाई अपॉन PN, ठीक है। तो ये आपको यहां वहां पे रख देना है। तो मैं यहां पे जैसे ही लिखूंगा स्मॉल P की जगह पे पाई अपॉन कैपिटल P, तो यहां पे स्मॉल P की जगह पे पाई अपॉन कैपिटल P, तो मैंने यहां पे रख दिया पाई अपॉन कैपिटल P cos psi। और यहां पे स्मॉल PN की जगह पे मुझे क्या लिखना है, तो स्मॉल की पाई अपॉन कैपिटल PN, तो मैंने यहां पे लिख दिया पाई पाई कैंसिल। सो दिस कैन बी रिटर्न एज P कैपिटल P इक्वल टू कैपिटल PN cos psi, ठीक है। अब मैं स्मॉल P कैपिटल P नहीं बोलूंगा, आपको समझ जाना है स्मॉल P सर्कुलर पिच, कैपिटल P डायमेट्रल पिच, स्मॉल P पाई एम और कैपिटल P वन अपॉन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये हमें आ गया PN इक्वल टू P अपॉन cos psi, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस और नो, ओके। चलो अब तो आगे बढ़ते, इतना समझ हो गया। तो अब हम जानते हैं, अभी मैंने बताया सर्कुलर पिच क्या बोलेंगे, स्मॉल p पाई इनटू मॉड्यूल v पाई d / z, और d / z होता है m, सो दिस इज पाई m। उसी तरह नॉर्मल के लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पाई इनटू m लिखा जा सकता है, यस और नो, हां ठीक है, वो समझ में आ गया। तो अब यहां पे डाल दो यार मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे डाल दो, जो हम लेके आए थे वहां पे हमें डालना है। सो कहां पे डालेंगे हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन है
pn इक्वल टू p cos psi, ये छोटा वाला pn, तो pn की जगह पर क्या लिखूंगा pi mn, और स्मॉल p की जगह पर क्या लिखूंगा pi m, तो pi pi कैंसिल, तो mn इक्वल टू m cos psi हो जाएगा, यस और नो? यस। सो ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ये mn का मतलब नॉर्मल मॉड्यूल और सेम m का मतलब होगा ट्रांसवर्स मॉड्यूल, क्लियर? ओके, अब ये एक्सएल पिच मैंने बता दिया था, A1 B2 तुम्हारा एक्सएल पिच होता है, कैसे है वो मैंने बता दिया, सो दिस इज A1 B2 एक्सएल पिच। अब हमें वो दूसरा ट्रायंगल देखने को बोलेगा, कौन सा ट्रायंगल देखने को बोलता है वो देखते हैं। चलो तो मुझे पता है कौन सा, तो मैं डायरेक्ट यहां पे ला देता हूं। आपको अब ट्रायंगल देखना है A1 B2 A2, ये ट्रायंगल देखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये ट्रायंगल देखना है, 1 मिनट, यस, आपको ये ट्रायंगल देखना है A1 B2 A2, और यहां पे ये कितना है साइन, तो यहां पे आप टेन साइन लगाओ, क्या आएगा टेन साइन लगाओ, है ना, क्या आएगा, तो यहां पे आएगा टेन साइन, तो ये सामने कितना है P, सो आई विल राइट P, सामने वाला साइड अपॉन पासे वाला साइड, पास वाला साइड क्या होगा A1 B2, सो A1 B2 क्या हो जाएगा PA XLP, तो टेन साइन क्या लिख सकता हूं P अपॉन PA, यस और नो? हाँ, तो टेन साइन मैं लिख सकता हूं P अपॉन PA, सो देयरफॉर एक्सएल पिच क्या होगा, सो आई कैन राइट एक्सएल पिच PA इक्वल टू P अपॉन टेन साइन, यहां पे किसी को भी दिक्कत नहीं है, क्लियर? अब मैंने ये बताया था अल्फा क्या होता है ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, और अल्फा इन क्या होता है नॉर्मल प्रेशर एंगल, जो मैंने यहां पे बताया था अल्फा ये तुम्हारा ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल और अल्फा इन या नॉर्मल प्रेशर एंगल, क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अगर हमें कोई बोले कि अगर तुमको कोई बोले कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल, तो इसको हमें कोई प्रूव करना नहीं है, वी नीड टू जस्ट रिमेंबर कि एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन है कॉस साई, जहां पे साई हेलिक्स एंगल है, इज इक्वल टू टेन अल्फा एन अपॉन टेन अल्फा, अगर तुम्हारे पास हेलिक्स एंगल हो, तुम्हारे पास ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल हो, तो यू कैन फाइंड नॉर्मल प्रेशर एंगल, या फिर आप उल्टा भी सोच सकते हो, अगर आपके पास साई हो अल्फा एन हो तो यू कैन फाइंड अल्फा, सो ये रिलेशन हमें एज इट इज लेना है, यहां पे कोई भी इसका प्रूफ आपको नहीं मिलेगा, सो यू नीड टू टेक दिस As it is. अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि small p यानी circular pitch क्या होता है pi d upon z, yes or no? तो यहाँ पे d को subject बनाओ तो मैं क्या लिख सकता हूँ zp upon pi, yes or no? अब मैं जानता हूँ small p into capital p क्या होता है pi, ये पढ़ा चुका हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे z, और ये small p की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ pi upon capital p, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये pi as it is, तो pi pi cancel हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा d is equal to z upon capital p, but capital p क्या होता है 1 upon मॉड्यूल, तो मैं यहां पे p की जगह 1 अपॉन मॉड्यूल, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा mz, अब पर हमने अभी क्या प्रूव किया था mn इक्वल टू m cos psi, हमने यहां पे प्रूव किया था कहां पे, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं या आप भूल जाते हो, mn इक्वल टू m cos psi, तो वी नो दैट mn इक्वल टू m cos psi, तो ये d इक्वल टू mz है, उसमें यहां पे mn इक्वल टू m cos psi, उसमें m को सब्जेक्ट बनाओ, तो m क्या होगा mn अपॉन cos psi, तो उसको यहां पे रख दो m, तो ये क्या हो जाएगा कहां पे रखना है यहां पे, इसको उठा के यहां पे रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी d इक्वल टू जेड एम एन कोस साई, ठीक है, तो इसका बहुत बार मैं न्यूमेरिकल में यूज करूंगा d इक्वल टू जेड एम एन कोस साई, तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई हमें पूछे कि सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, तो सेंटर डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है दोनों की ओर का बीच का, d1 by 2 plus d2 by 2, तो इसको ऐसे में लिख सकता हूं d1 plus d2 by 2, तो d1 की जगह पे आप लिखोगे तो d क्या है हमारा zmn upon cos psi, तो d1 क्या लिख सकता हूं z1 mn cos psi, और d2 क्या लिख सकता हूं यहां पे z2 mn cos psi, तो इस तरीके से लिख सकते हो यस और नो, n इक्वल टू mn कॉमन निकल जाएगा z1 plus z2 upon 2 cos psi, यस और नो, क्लियर? सो बस हमें इतना याद रखना है। अब सोचोगे सर ये तो हमें देख लिया पर कुछ समझ में नहीं, समझने जैसा कुछ था भी नहीं, समझना भी नहीं है, कुछ दो ही चीज आपको याद रखनी है, एक मैंने ये इक्वेशन डिराइव किया वो याद रखना है mn equal to m cos psi, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको ये याद रखना है जो मैंने डिराइव किया d equal to zmn upon cos psi, इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, और अभी जब मैं वर्चुअल टीथ पढ़ाऊंगा तो आपको ये फंडे की जरूरत पड़ेगी, तो बस इतना ही याद रखना था, क्लियर? यस। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वर्चुअल टीथ के लिए।